कैलाश सत्यार्थी साक्षात्कार। भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा में 11 जनवरी 1954 को पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे कैलाश सत्यार्थी ने 26 वर्ष की उम्र में ही कुछ बनने की चाह छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर हजारों बच्चों की जिंदगियां बचाने का श्रेय दिया जाता है। वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। बाल श्रमिकों को छुड़ाने के दौरान उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। सन 2004 में ग्रेट रोमन सर्कस से बाल कलाकारों को छुड़ाने एवं सन 2011 में दिल्ली की एक कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत बच्चों को मुक्त करवाने के दौरान उन पर हमला किया गया। यहाँ उनका एक साक्षात्कार प्रस्तुत है। वर्ष 2014 में आपको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद बच्चों के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में क्या अंतर आया है? बाल दास्ता, बाल शोषण, बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले किसी व्यक्ति को पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका सीधा असर ये पड़ा कि दुनिया के सबसे शोषित, उपेक्षित और हर प्रकार की हिंसा के शिकार बच्चों का मुद्दा अचानक बहुत बड़े स्तर पर आ गया। इसी से मैं दुनिया भर में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्षों, यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसियों के वरिष्ठतम अधिकारियों व यूएन सेक्रेटरी जनरल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव से सीधी बातचीत कर पा रहा हूँ, बच्चों की ओर से अपनी बात रख पा रहा हूँ। लगता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी है। क्या इससे भी कुछ असर पड़ा है? निश्चित ही मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ने से काम की गति में तेजी आई है। लोगों में ये एहसास विकसित होने लगा है कि बाल शोषण एक अपराध है जो देश और समाज से समाप्त होना चाहिए। बाल दास्ता की समस्या को लेकर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? बाल शोषण के खिलाफ जहां जहां काम हो रहा है उसकी गति में तेजी लाने की जरूरत है। 2-3 मुद्दे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। इनमें से प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों के विकास के ढांचे का तैयार होना। हम चाहते हैं कि इसमें बच्चों के मुद्दों को प्रमुखता दी जाए, बाल मजदूरी का मुद्दा पूरी सख्ती और स्पष्टता से उठाया जाए, बाल दास्ता से मुक्ति का मुद्दा मजबूती से उठाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानता है कि दास्ता के शिकार बच्चों की यानी चाइल्ड स्लेवरी की संख्या घटी नहीं है। भारत में बाल मजदूरी की समस्या कितनी विकराल है? भारत में बाल मजदूरी के संदर्भ में बहुत सालों से जो पुराना कानून है वह अपने आप में बेकार है। आज जो कानून चल रहा है वह 1986 का बाल मजदूरी कानून है। उसमें 14 साल तक के उन बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है जो खतरनाक उद्योगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन खेत खलिहानों तथा अन्य जगहों पर भी बच्चे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 14 साल तक का कोई भी बच्चा कहीं भी काम न करे। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार हर 14 साल के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। बाल मजदूरी कानून में भी संशोधन लाया जाए, मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम ये मांगे राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। जब सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून बना ही रही है तो सामाजिक स्तर पर परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है? सरकार के काम यदि पर्याप्त होते तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत थी? दुर्भाग्य है कि समाज और सरकार दोनों इस काम में असफल रहे हैं। अकेले सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता। हमारे इर्द गिर्द रोज बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, देखते हुए भी हम आवाज नहीं उठाते। धर्म गुरु कभी किसी प्रवचन में नहीं कहते हैं कि जो बच्चे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा वह पाप का भागीदार होगा। उन्हें इस विषय पर मुखर होना चाहिए, उनकी बात का लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों के प्रति जागरूक होना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है,
हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अच्छे कानून के लिए प्रावधान होना चाहिए। हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 41% है, जबकि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर बजट का 4% से भी कम खर्च किया जाता है। बच्चों को घरेलू नौकर बनाकर उनके माता पिता तक उनका शोषण कर रहे हैं। इस समस्या का क्या उपाय है? हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हम हर तरह का जतन करते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को गुलाम बना कर रखते हैं। ये हमारी घटिया सोच है। बच्चों के प्रति अपराध करके हम न केवल कानूनी नजर से गलती कर रहे हैं, बल्कि धर्म और नैतिकता से भी उल्टा काम कर रहे हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे भी क्या इस दिशा में कुछ सहयोग दे सकते हैं? बचपन से ही उन्हें ये सीख देनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं या सड़कों पर काम कर रहे हैं, वे भी तुम्हारे भाई बहन हैं। उनके बारे में भी सोचें। सबसे पहले हम उन्हें बढ़िया इंसान बनने का मंत्र दें। यदि हमें ऐसी अच्छी पीढ़ी तैयार करनी है जिस पर हम गर्व कर सकें, तो उनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में मानवीय दृष्टिकोण पैदा करना होगा। आपके मन में बाल कल्याण की भावना कब पनपी थी? मैं 5-6 साल का था। पहले दिन स्कूल गया तो एक बच्चे को जूते साफ करते हुए देखा। उसे देखकर मुझे अकुलाहट होने लगी। मैंने क्लास टीचर, हेडमास्टर और घर वालों से इसके बारे में पूछा। सबने यही कहा कि उनके परिवार का पेट किस तरह भरेगा। मैं लोगों की बातों से सहमत नहीं हुआ। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे के पिता से पूछ लिया जो उसके साथ बैठकर जूते गांठने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने और मेरे बाप दादाओं ने ये काम किया है, तो बेटे को तो करना ही है। हम तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। यह मेरे लिए चिंतन का विषय था कि क्यों कुछ लोग काम करने के लिए ही पैदा होते हैं और कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने के साथ पैदा होते हैं। अपने जन्म स्थान के विषय में कुछ बताएं। विदिशा को मैं हमेशा याद करता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ वह दिल में बसा हुआ है। कहा भी गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी अधिक है। भारत मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मैं विदिशा, मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वह मेरे लिए अनमोल है। बच्चों के लिए आपका संदेश, मैं चाहता हूँ कि वे अपने बचपन को ना मरने दें। उनके भीतर का जो बच्चा है उसे जिंदा रखें। किसी भी व्यक्ति में यदि सरलता, सादगी और ईमानदारी है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अब भी बच्चा जिंदा है। जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है, तब तक हम ईमानदार, सरल और सादा रहेंगे। जिस दिन हमारे अंदर का बच्चा मर जाएगा, उसी दिन हम नकली, कपटी और चालाक बन जाएंगे। दीवाना पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया बुक्स का दीवाना।